निकाल लो अपने दांत बाहर वरना जबड़ा ना टूट जाएगा। बेवकूफ लड़की, तुमने उसे छुपाया क्यों? आई स्वेयर सच्चा हीरो वाली फील्स आ रही होंगी उस बेचारे को। यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, एक तो मामा के छापे मारने वाली है तो कभी नहीं जाएगी। वैसे अगर तुम गौर करो तो ये सारे कामयाब छापे एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुंह से ना कोई मनहूस बात मत निकालना। चलो नहीं करती, बोल दो, पेट में दर्द होता रहेगा वरना तुम्हारे, और तुम्हारे दिमाग में जो धमाके फटते रहेंगे कि आखिर बात क्या थी। अब तुम मुंह से फूटोगी या उंगली मार के निकालो तुम्हारे हलक से। वो बात ये है कि अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिल गेट्स का तो दामाद बन सकता है, मगर डॉक्टर राजिया का नहीं। बताऊं तुम्हें, ये हॉस्पिटल है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। सॉरी सर, सॉरी सर। तुम आज जल्दी घर चली जाना, गेस्ट आ रहे हैं। और डॉक्टर शबीर, बेड 3 के पेशेंट का कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा हमें फौरन। जी जी, जरूरी है ये बात। डॉक्टर, बेड 3 का पेशेंट कोलैप्स करके आया। ओह नो। आंटी, आंटी आप क्यों टेंशन ले रही है? मैं समझाता हूँ ना घर वालों को। बेटा तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, चाहे खुद समझो चाहे अपने सारे खानदान को समझाओ। ये शाहीन जेट तैयारा तो अब टोरंटो एयरपोर्ट पर जाकर रुकेगा। चलो रूमी। जी माँ। आंटी समझाओ ना कुछ। आंटी को मैं क्या समझाऊँ, तुम्हारा और मम्मा का मसला है, मेरा क्या है? मैं टोरंटो जाके वीडियोस बना लूंगी, हटो। रूमी, रूमी क्या हो गया? बिल्कुल ठीक नहीं किया आप लोगों ने मेरे साथ। हाँ, तो वो भी तो खुद को सचमुच का जेट तैयार समझ रही है। पहले जबरदस्ती तुम्हारी शादी करा दी और अब डंडे के जोर पे तुम्हारी रुखसती कराने पर तुली हुई है। मुझे नहीं पता चाची, अगर वो लेके चली गई ना रूमी को कनाडा तो तुम सी ऑफ करने चले जाना एयरपोर्ट और वहाँ से वीडियो बना ले। सी ऑफ नहीं, फिर मैं जा रहा हूँ आप लोगों को छोड़ के उनके साथ कनाडा, अगर 7 दिन में मेरी शादी ना करवाई चाची। अरे मेंढक को भी जुकाम हो गया, कहाँ है ये सफू भाभी, कहीं उर्दू के सफर पर तो नहीं निकल गई? चांद मुझे तो सचमुच रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है? 19 साल का बेटा है मेरा। तो चची क्या हो गया, 19 साल के जवान लड़के की कोई छोटी बहन या छोटा भाई नहीं हो सकता क्या? लोग क्या कहेंगे चांद? अरे लोगों की परवाह ना किया करें, लोगों का काम तो सिर्फ बातें बनाना ही होता है। और बाबू भैया क्या सोचेंगे? भाऊजान क्या कहेंगे, वो तो खुश होंगे, वो कहेंगे मेरा एक छोटा भतीजा या भतीजी आने वाला है। चांद देखो कसम है तुझे। किस बात की? देखो घर में किसी को भी नहीं बताना, मैं और सलीम जो है ना वो अपने तरीके से बताएंगे सबको। ठीक है, लेकिन आपको भी कसम है फिर? किस चीज की? आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि हम तारा के हॉस्पिटल गए थे और आपकी मुलाकात उसकी वालदा से हुई है? तौबा यार, इतनी खड़ूस औरत थी कसम से, आंखें तो ऐसे माथे पे सजा के रखी थी उसने जैसे कि मैं फीस में रियायत मांग रही हूँ। वैसे कितनी फीस ली तुमसे उसने? मुझसे तो कोई फीस नहीं, मुझसे तो कोई फीस नहीं ली, आपसे ली है क्या? नहीं, फीस तो मुझसे भी नहीं ली। और आपने दी भी नहीं? तो उसने कुछ कहा ही नहीं। बहुत इसका मतलब है जान के खानदानी लोग हैं। अरे भाभी क्या हुआ आपको? आशु बता रहा था आप हॉस्पिटल गई हैं। बताया तो था मैंने तुम्हें कि बदहजमी हो गई मुझे। वो उनका क्या बना, हाशु के जो जबरदस्ती के ससुराल वाले आए थे? हाँ वो तो रुखसती की डेट लेने आए थे। रुखसती की डेट? अरे इनकी डेटें तो मैं निकालती हूँ अभी। हाँ भाई चांद, क्या बना तुम्हारी किस्मत के तारे का? अभी तो ग्रहण लगा हुआ है इस चांद को, इसलिए तो कह रहा हूँ मत्ती के हाथ पर बैठ कर लो, क्योंकि मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। मच्छू आप प्लीज रहने दें, जाके एनिमल प्लैनेट देखें यार। क्यों, एनिमल से मेरी शिकायत करती है? तुम्हें उनको टाइम ही दे रहा।